रिसेंटली हमने एक कंपेयर वीडियो बनाया था, वहां पे सोलो एप्लीकेशन के ऊपर हमने होटल बुक करके ट्राई किया। सबसे सस्ता मुझे गोवा एबीबीओ के ऊपर ही देखने को मिला था। तो चलिए आज के इस वीडियो में गोवा एबीबीओ ऐप से होटल बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, या डायरेक्ट लिंक आपको डिसीजन पिन कोड दे दूंगा। ऐप को जैसे ही इंस्टॉल करके ओपन करते हैं, उसके बाद देखिए इस ऐप के ऊपर फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे होंगे तो बेसिक डिटेल फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और ईमेल आईडी एंटर कर देना है। और कुछ यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्रोफाइल आपका क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ये हम आ चुके हैं होम पेज के ऊपर। सबसे पहले होटल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहीं से हम होटल भी बुक कर पाएंगे, यहाँ से फ्लाइट ट्रेन बस वगैरह भी बुक कर सकते हैं। तो होटल बुकिंग के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे आप दो तरीके से होटल बुक कर सकते हैं। कुछ घंटों के लिए रुकना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, या एक दिन दो दिन तीन दिन के लिए होटल करना चाहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है बुक फॉर 3, 6 और 9 आवर। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है किस सिटी में आप ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं, यानी कि होटल लेना चाहते हैं कुछ घंटों के लिए। तो यहाँ पे मैं पटना टाइप कर देता हूँ। उसके बाद देखिए चेक इन डेट पूछ रहा है, यानी कि किस डेट को आप होटल में रुकना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है चेक इन टाइमिंग, यानी कि कितने बजे आप एंट्री करना चाहते हैं होटल में, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सर्च हावरली स्टे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होगा कितने घंटे के लिए क्या रेट के साथ वो सब यहाँ पे डिटेल खुल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों इसके हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम रेगुलर होटल बुकिंग करेंगे, नॉर्मली जो एक दिन दो दिन तीन दिन के लिए बुकिंग होता है वो वाला। इसके लिए मैं बैक चले जाता हूँ और इस एरिया में हमारा डिटेल यहाँ पे फिल होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करेंगे किस एरिया में हमें होटल लेना है, तो मुझे पटना में होटल चाहिए तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पटना। पटना बिहार इंडिया आ चुका है। इसके ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, अब पूछ रहा है किस डेट को एंट्री करना चाहते हैं और एग्जिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 11 से 12 के लिए होटल चाहिए एक नाइट के लिए, यानी कि 24 घंटे के लिए, तो कंटिन्यू फॉर वन नाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देख लीजिए पूछ रहा है कितना रूम चाहिए, कितने लोग हैं, तो आप अपने हिसाब से यहां पे कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं एक ही रूम लेने वाला हूं, एडल्ट में यहां पे एक ही सेलेक्ट करने वाला हूं, बच्चे कितने हैं आपके साथ वो सब यहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद सीधे सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देख लीजिए दोस्तों पटना के अंदर जितने भी होटल अवेलेबल है सबका लिस्ट यहां पे आ चुका है। लेकिन आपके लिए कौन सा होटल बेस्ट होगा, आपको कौन सा होटल बुक करना चाहिए, इसके लिए तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहले मैं सस्ता वाला होटल को यहाँ पे सॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे महंगे महंगे होटल आ रहे हैं, सस्ते भी आ रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं सॉर्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम लो प्राइस के हिसाब से सॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि सस्ता होटल सबसे ऊपर दिखाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे सस्ता होटल ऊपर आ चुका है, 670 रुपए से स्टार्ट हो रहा है होटल यहाँ पे, ठीक है, 837 रुपए। लेकिन दोस्तों इससे अच्छा है कि थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगे, यानी कि सस्ता में ही बेस्ट होटल हमें चाहिए, वो वाला होटल हमें बुक करना है। तो इसके लिए फिर से सॉर्ट में हम जाते हैं और यहाँ पे देख लीजिए लोएस्ट प्राइस एंड बेस्ट रेटेड, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसका मतलब यह है कि ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और बेस्ट होटल हमें मिल पाएगा। यहाँ पे सबसे पहला होटल आ रहा है 1800 रुपए का, लेकिन ये एड चला रहा है इसलिए ये ऊपर दिख रहा है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे, आगे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं 3.9 रेटिंग के साथ ये होटल 670 रुपए में हमें मिल रहा है और प्लस 152 रुपया टैक्सेस लगेगा, यानी कि ये होटल 822 रुपए में हमें मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो होटल मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ वो तो आपको बुक करना नहीं है, तो इसके लिए दो तीन टिप्स मैं आपको देता हूं। यानी कि इस पेज के ऊपर आने के बाद आप कहीं का भी होटल अगर बुक करना चाहते हैं तो सिर्फ तीन चीजें ध्यान में रखिए और होटल बुक करिए अपने हिसाब से। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लोकेशन का ध्यान में रखना है। मान के चलिए आप फ्लाइट से उतर रहे हैं उस शहर में, या आप ट्रेन से उतर रहे हैं, या आप बस से उतर रहे हैं, या आप हाईवे के पास से क्रॉस कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप गूगल मैप के थ्रू फाइंड करिए कि आप कहां उतर रहे हैं और होटल कितना दूर है। सबसे पहला लोकेशन का ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा चीज ये ध्यान रखेंगे कि जो हम होटल बुक कर रहे हैं उसका रेटिंग किस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.9 का रेटिंग है और ये रेटिंग एक दो आदमी नहीं 1401 आदमी ने रेटिंग किया है, उसके हिसाब से यहाँ पे 3.9 का रेटिंग है, ठीक है, रेटिंग भी हो गया, लोकेशन भी हो गया। उसके बाद तीसरा चीज जो सबसे मेन है वो है पैसा, यानी कि आपके अकॉर्डिंग, यानी कि जितना आप सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस दिख रहा है या नहीं। अगर प्राइस है तो स्किप करो, दूसरा सर्च करो। तो यही तीन चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब मान के चलो ये इस होटल को हमें बुक करना है, तो इसके ऊपर हमने टैप किया, अब हम देखेंगे यहाँ पे सुविधा क्या क्या उपलब्ध है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियरली मेंशन है, टीवी, सिक्योरिटी, वाईफाई, रूम सर्विस, पैकिंग, एयर कंडीशन, यानी कि एसी रूम आपको मिलने वाला है, चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, और आपका एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लिया जाएगा, वो हर एक होटल के लिए मैंडेटरी है। चलिए आप सेलेक्ट रूम के ऊपर
मैं नीचे क्लिक करता हूँ, हर एक होटल में हर एक वेरिएंट का रूम होता है, तो आपको देख लेना है कि आप कौन सा रूम में स्टे करना चाहते हैं, कौन सा आपको प्राइसिंग अच्छा लगता है, क्योंकि सब पैसे का ही खेल है। यहाँ पे आप भी वीडियो देख रहे हो ताकि पैसे का बचत कर पाए, बेस्ट होटल फाइंड कर पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वेरिएंट के होटल रूम है, आपको जो भी बुक करना है आप सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे सस्ता वाला हमें बुक करना है तो ये हमने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब हम ध्यान देंगे कि बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का, ताकि हम पैसे का बचत कर पाए। और आगे चल के ये भी मैं क्लियर करने वाला हूँ कि क्या ऑनलाइन पेमेंट करना सेफ है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी रूल एंड पॉलिसी का यहाँ पे ऑप्शन है, व्यू ऑल रूल्स एंड पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ऑफर वाला सेक्शन आ चुका है, यहाँ पे व्यू ऑल प्रोमो कोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और देख लेता हूँ सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा कूपन कोड के थ्रू ले सकता हूँ। तो यहाँ पे सेम ही है, कोई डिस्काउंट अभी चल नहीं रहा है फेस्टिवल सीजन में, या कभी कभी चलता है तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए दो ऑप्शन है बुकिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि आप पूरा पैसा पे कर 823 रुपया, या दूसरा ऑप्शन है 0 रुपया आप पे करो और कंफर्म हो जाएगा आपका बुकिंग, यानी कि होटल के पास नोटिफिकेशन चल जाएगा कि आप होटल बुक कर रहे हो, तो इसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना है, बुक 0 के ऊपर क्लिक करके पे कर सकते हो। और इसके लिए बोला जा रहा है आप तो होटल 12 तारीख का बुक कर रहे हो, लेकिन अगर आप बुक 0 के ऊपर क्लिक करके बुक करते हो तो आपका नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, लेकिन आप 9 तारीख को ही पेमेंट कर देना, यानी कि 12 को आप होटल में आने वाले हो तो 9 तारीख को यानी कि 2 दिन पहले आप पेमेंट कर देना, आपका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। चलिए बुकिंग के लिए कुछ डिटेल आपका चाहिए होगा, यहाँ पे और सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देंगे, मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, ईमेल आईडी एंटर कर देंगे, और यहाँ पे मैं बुक 0 के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बुकिंग फॉर विकास का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, होटल आई थिंक हमारा बुक हो रहा है, बुकिंग सक्सेसफुली हमारा कंफर्म हो चुका है, और हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है, प्रॉपर्टी का डिटेल आ चुका है, सारा कुछ यहाँ पे फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आ चुका है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर, यानी कि जिस नंबर से हमने साइन अप किया था उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों ये बुकिंग हमें नहीं चाहिए, डेमो के लिए मैं कर रहा था और हो भी गया, तो चलिए इसे मैं कैंसिल भी कर लेता हूँ। यहाँ पे माई बुकिंग के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे देख लीजिए पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है और डाउनलोड वाउचर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं इसे कैंसिल करूंगा, इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल इंटायर बुकिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, माई प्लान इज कैंसिल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू कैंसिल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कंफर्म कैंसिलेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए सक्सेसफुली हमारा जो रूम यानी कि होटल बुकिंग है वो कैंसिल भी हो चुका है। चलिए दोस्तों अब एंड में बात करते हैं क्या हमें ऑनलाइन होटल बुक करके स्टे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से जिस भी होटल में फाइनल स्टे करने का आपका डिसीजन बनता है, यानी कि बुक करने का डिसीजन बनता है, उस होटल का नाम आपको गूगल पे सर्च करना है, उनको कॉल लगाना है और पूछना है कि भाई मान के चलो गोया वीवो के ऊपर 2000 दिखा रहा है, तो आप उनको फोन करके बोलोगे कि भाई गोया वीवो के ऊपर 1700 रुपया दिखा रहा है, क्या आप इस होटल को हमें 1500 में दे सकते हो या नहीं। ठीक है, तो कई बार एग्री भी कर जाते हैं, लेकिन कई बार वो ये कहते हैं कि नहीं हमारा होटल का एक्चुअल रूम का जो प्राइस है वो 2500 है, लेकिन मैं वेबसाइट के ऊपर लिस्ट इसलिए किया हूं क्योंकि हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, हमें मतलब नया नया मैं अगर वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किया हूं इसलिए प्राइस डाउन करके वहां पे लिस्टेड है। तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करने में ही फायदा हो, क्योंकि 2500 का होटल रूम आपको 2000 में मिला बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन के साथ, तो आप ऑनलाइन बुक करेंगे। वहीं पे अगर वो कहते हैं कि वेबसाइट से सस्ता मैं ऑफलाइन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली होटल के ऊपर जाकर के भी रूम को ले सकते हैं। इसके अलावा रही बात भरोसे की, मान के चलो एप्लीकेशन के ऊपर क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ पेमेंट करके, या फोन के ऊपर उनसे बात करके भरोसा कर सकता हूँ उनके के ऊपर, तो यहाँ पे कहूंगा 100% आप भरोसा कर सकते हैं, बिना भरोसा के कोई बिजनेस नहीं चलता है। और अभी तक मैं जहां जहां भी एक्सपीरियंस किया हूं कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगर वो कॉल पे कह देते हैं कि हाँ रूम खाली है आप आ जाओ, तो डेफिनेटली वो रूम आपको देंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन के ऊपर भी बुकिंग अगर कंफर्म हो जाता है तो डेफिनेटली वो रूम आपको मिलने ही वाला है, इस बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जाइए आप भी गोया वीवो से होटल बुक करिए, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।